नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo EQ Z3 5G वर्सेस Realme 9i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो EQ Z3 5G में 6.45 इंच जबकि 9i में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो EQ Z3 5G में 2.96 इंच जबकि 9i में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो EQ Z3 5G में 0.33 इंच जबकि 9i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो EQ Z3 5G में 185.5 ग्राम जबकि 9i में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो EQ Z3 5G में 6.58 इंचेस जबकि 9i में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन EQ Z3 5G में 1080x2408 और 9i में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो EQ Z3 5G में 84.7% जबकि 9i में 84.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो EQ Z3 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9i में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो EQ Z3 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 9i की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो EQ Z3 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो EQ Z3 5G में Adreno 620 जबकि 9i में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो EQ Z3 5G में Qualcomm Snapdragon 768G और 9i में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो EQ Z3 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB की रैम मिलती है, जबकि 9i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो EQ Z3 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी EQ Z3 5G में 4400mAh जबकि 9i में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो EQ Z3 5G में 3 कलर्स जबकि 9i में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो EQ Z3 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹19,990, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹18,990, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹20,990 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9i की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹13,999, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹15,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Equ Z3 5G में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9i की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Equ Z3 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X3 Super Zoom Edition है, दूसरा Realme GT Neo है, तीसरा OnePlus 9RT है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16K है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।